नमस्कार। पिछले 24 घंटों में भारत में 540 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। लॉकडाउन का 16वां दिन है और हमारा मतलब भारत का आंकड़ा 5700 को पार कर चुका है। पर इस लड़ाई को गंभीरता से लड़ने के बदले, इस कठिन घड़ी में राष्ट्रीय नीति पर एकजुट होने के बदले राजनीति को ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है और ये कुछ लोगों की कोशिश की जा रही है कि सियासत की जाए, और वो भी कौन सी, कलर कोडेड डर्टी पॉलिटिक्स। जी हाँ, कलर कोडेड डर्टी पॉलिटिक्स। समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। केंद्र सरकार ने वेस्ट बंगाल की सरकार को 30,000 पीपीई किट दिए, जिसके बारे में अभी लव अग्रवाल बात भी कर रहे थे। ये किट जो होते हैं, ये डॉक्टर्स और नर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उनका सुरक्षा कवच है, जिसके बिना कोरोना मरीजों के पास जाना मतलब मौत को गले लगाना, उनके लिए बहुत जरूरी है। पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मोदी विरोध के बारे में तो जानते ही, उनकी राजनीति पूरी मोदी विरोध वाली है, आप अच्छी तरह से वाकिफ हो, उन्होंने इस किट के रंग पर सवाल उठाए हैं। जी हां, रंग को लेकर सवाल उठाए। रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा है कि ये किट ब्लू और सफेद होते हैं, मोदी सरकार मुझे येलो मतलब पीले रंग का किट क्यों दे रही है, हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, यकीन कीजिए, मैं पहले आपको समझा दूं कि ये पीपीई किट होता क्या है। जरा गौर से सुनिए, मैं तफसीर से आपको समझाना चाहता हूं। पीपीई का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, डॉक्टर कैसे निकाल रहे हैं अपने शरीर पर ये सारी चीजें डाल रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है और एक लौता तरीका है डॉक्टरों को सुरक्षित रखने का, नर्स को सुरक्षित रखने का, स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुरक्षित रखने का। देखिए, जो डॉक्टर होते हैं, जो नर्स होते हैं, मेडिकल स्टाफ होता है, वो जब कोरोना मरीज के पास जाता है, और आप जानते हैं कि कोरोना रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो इसीलिए ये जरूरी है कि कोरोना के वायरस से दूर रखने के लिए शरीर पर ना पहुंचे, डॉक्टर के चेहरे पर ना पहुंचे, हाथों पर ना पहुंचे, उनके बालों पर ना पहुंचे, सर से लेकर पांव तक उनको ढका जाता है इस पीपीई के द्वारा। आंखों के लिए एक स्पेशल मास्क होता है, शरीर के लिए एक बॉडी सूट होता है, हाथों के लिए ग्लव्स होते हैं, यहां तक कि जूतों के लिए भी, देखिए जूतों पर भी उन्हें यह प्रोटेक्टिव शील्ड पहनकर जाना पड़ता है, तब वो जा सकते हैं कोरोना मरीज के पास। और इसका मैंने पूरा रिसर्च किया, आने से पहले मैंने सोचा कि हो सकता है ममता बनर्जी की बात में कुछ तर्क हो, कुछ वैज्ञानिक बात हो, कुछ वैज्ञानिक तर्क हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सफेद रंग का जो है ये सूट है, तो हो सकता है कि सफेद सूट ज्यादा बेहतर हो। और मैंने रिसर्च करके गाइडलाइंस निकाले, 2013 के अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस है इस विषय में, कोरोना मरीज के पास। और इसका मैंने पूरा रिसर्च किया, आने से पहले मैंने सोचा कि हो सकता है ममता बनर्जी की बात में कुछ तर्क हो, कुछ वैज्ञानिक बात हो, कुछ वैज्ञानिक तर्क हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सफेद रंग का जो है ये सूट है, तो हो सकता है कि सफेद सूट ज्यादा बेहतर हो। और मैंने रिसर्च करके गाइडलाइंस निकाले, 2013 के अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस है इस विषय में। अलग अलग इंडस्ट्री में ये काम आते हैं पीपीई के किट्स जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, फूड की इंडस्ट्री में, और मेडिकल हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में। और उसमें सिर्फ तमाम गाइडलाइंस को छानने के बाद मुझे पता चला कि उसमें सिर्फ परफॉर्मेंस मतलब कार्य क्षमता से लेकर कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, कलर का, रंग का कोई उसमें जिक्र ही नहीं है। मतलब आप रंग जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, यह बात जरूर है कि ब्राइट रंग हो, येलो हो, लाल हो, ब्लू हो, तो वो आसानी से उसको पहचाना जा सकता है, उस कलर को देखा जा सकता है, तो वो ज्यादा प्रिफर्ड है, वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं, इन कलर्स को ज्यादा अच्छा माना जाता है। सफेद रंग का सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक असर है कि उससे आदमी शांत रहता है, उसको लगता है कि भाई शांत माहौल से एक व्यक्ति आया है, इसलिए सफेद का ज्यादा चलन है मेडिकल इंडस्ट्री में। पर येलो रंग को भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यह है, और आज मेरा हैशटैग भी यही है, और आज मुद्दा भी यही है कि कल आप पावर ग्रिड एक्सपर्ट बने हुए थे, आपने कहा पावर ग्रिड फेल हो जाएगा रात को 9:09 अगर आप देश के साथ एकजुट हो जाएंगे, दिया जलाएंगे। फिर ये लोग HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के एक्सपर्ट बन गए, कहने लगे कि देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खत्म हो जाएगा अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स को ये एक्सपोर्ट किया, बाकी देशों को ये एक्सपोर्ट किया। अब उसके बाद ये लोग पीपीई के एक्सपर्ट बन चुके हैं, कौन सा रंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा रंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस पर आज राजनीति
आ गई है और आज का हैशटैग है कोरोना पॉलिटिक्स। सवाल सिर्फ इतना है, कोरोना काल राजनीति बेहाल, आप क्या आप पीपीई किट्स के रंग पर भी राजनीति करेंगे? और आज सवाल टीएमसी से भी होगा। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं मेहमानों का परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल है, बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ टीएमसी के समर्थक है अनिर्बान बैनर्जी। मेरे साथ प्रेम कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट है पर वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अक्सर कांग्रेस से को डिफेंड भी करते हैं, हमदर्दी भी रखते हैं। मेरे साथ संजय द्विवेदी शिवसेना के प्रवक्ता है, शिवसेना के लीडर है, वो भी जुड़ेंगे, उनको भी जोड़ दीजिएगा। पर पहला सवाल पूछते हैं अनिर्बान बैनर्जी से। अनिर्बान बैनर्जी, ये किस तरीके की राजनीति आप लोग कर रहे हैं? ममता बैनर्जी के पास कोई वैज्ञानिक तर्क है, आपके पास कोई वैज्ञानिक तर्क है कि येलो पीपीई का किट जो है वो खराब है, वो गलत है और ग्रीन या व्हाइट या ब्लू किट ही सही काम करेगा? आज जब देश में जरूरत है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास ये पीपीई किट पहुंचे ताकि वो जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ सके, तो आप लोग मोदी विरोध में अब एक नया पैतरा इस्तेमाल करके आप डॉक्टर्स और नर्सेस को रेनकोट दे रहे हैं पर येलो पीपी किट देने से इनकार करेंगे? ये क्या तर्क है, क्या लॉजिक है? इसमें कोई फर्क कर रहे हैं? बात तो यह है कि मांगा जितना गया था उनसे हमको मिल तो रहा है, वो 10% भी नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर है, मतलब आप मांगो 10 आपको मिले 1, ऐसे तो चलेगा नहीं ना। आपको अब जो रिक्वायरमेंट अनिर्बान, देखिए ऐसा है, फेक न्यूज से भी बचना है, फेक न्यूज से भी बचना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल की सरकार को कितने किट दिए केंद्र सरकार ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको जानकारी है कितने किट दिए अनिर्बान? जानकारी है, बिल्कुल जानकारी है। अनिर्बान का ऑडियो तेज किया जाए। कितना दिया, कितना मांगा था और कितना दिया? जितना मांगा गया उनसे जो मिला है वो 10% से भी कम है। ये झूठ बात है अनिर्बान, क्योंकि वेस्ट बंगाल को, एक सेकंड, वेस्ट बंगाल को 30,000 किट दिए गए। आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में इस समय हमारे पास 3,80,000 के आसपास ये पीपीई किट्स है। दिल्ली सरकार को 2 दिन पहले 27,000 किट दिए गए थे जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने शुक्रिया अदा किया है। तो ये मत कहिए कि सिर्फ 10% दिया गया था, 3,00,000 किट तो सिर्फ देश में है, 2,00,000 किट अभी हमें इम्पोर्ट करके हमने चाइना से मंगवाए हैं, उसमें से 30,000 आपको दिए, वैसे ही 2,00,000 किट्स पूरे स्टेट्स को केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो ये कहना कि आपकी रिक्वायरमेंट 3,00,000 है, ये बिना सर पैर की बातें हैं, उसी तरीके से कि ये येलो किट ज्यादा काम नहीं आएगा। हमको 30,000 देंगे तो कैसे चलेगा? ममता बैनर्जी ने किट की संख्या को लेकर नहीं, ममता बैनर्जी ने किट के कलर को लेकर सवाल उठाए, अनिर्बान उसका जवाब दीजिए। उन्होंने संख्या को भी बताया ना, वही मुद्दा। पर मुझे एक बात बताइए, अच्छा ठीक है, अगर संख्या इतनी कम है, एक से ज्यादा और हमको मिले 30,000 से भी कम, ओके, आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ अनिर्बान, झगड़ा नहीं कर रहा हूँ आपसे, डायलॉग कर रहा हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ। अगर संख्या को लेकर सवाल है तो अगर आपको येलो किट मिल रहे हैं, 30,000 येलो किट भी मिल रहे हैं, आपको संख्या को लेकर सवाल करना है तो ये 30,000 येलो किट क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं आप, ये बता दीजिए। चलिए संख्या को लेकर सवाल है, कलर को लेकर नहीं, तो ये येलो किट क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल रिजेक्ट नहीं हुआ, ये इमरजेंसी के टाइम पे हमको किट चाहिए, हमको वो सारे प्रोटेक्शन गियर चाहिए जो डॉक्टर्स नर्स जो हेल्थ वर्कर्स थे सबको लगेगा, तो रिजेक्ट कुछ भी नहीं हुआ है, हमको जितना चाहिए था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 10% से भी कम हमें मिला है, प्रॉब्लम यहाँ पर। इसका शुरू से आप देखेंगे तो ममता जी जो वेस्ट बंगाल है वो पूरी तरह से जो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है देश में उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक इनपुट बीच बीच में डाल रहे हैं। आप देखिए वहां से सारे जो इन्फॉर्मेशन है वह भी वह फिल्टर कर रहे हैं, वहां जहाँ के पूरे विश्व में ये होता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो डॉक्टर्स होते हैं वही कॉज ऑफ डेथ डिक्लेयर करते हैं। इन्होंने, ममता जी ने वेस्ट बंगाल में एक कमेटी बना दी स्टेट लेवल की, वो सर्टिफाई करेगी कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, जिसके पास इलाज चल रहा है, जिसके पास डेथ हुआ ग्लोबल पैरामीटर से वही एसर्टेन करता है। तो यह एक तरीके से पूरी लड़ाई को कमजोर करने के
और इंफॉर्मेशन को सप्रेस करने के कहीं ना कहीं हालात वहां नजर आ रहे हैं। और वो हर चीज, अब मान लो सिंपल बात है कि अगर इनको संख्या ज्यादा चाहिए तो सरकार फेज मैनर में ही तो पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों को देगी, और उसके बाद जब उसकी जब पीपी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं पूरे विश्व में, अभी इसकी शॉर्ट सप्लाई है, लोगों के पास डिमांड है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, जिस तरह के वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस तरह का मटेरियल मिलता है, उसकी मेडिकल स्पेसिफिकेशन अगर उसमें ऑब्जेक्शन है तब तो ये बात करे, कोई मेडिकल डॉक्टर बात करे, और ये पॉलिटिकल लोग तय करेंगे कि इसकी मेडिकल स्पेसिफिकेशन खराब है, और वो कलर तय करेगा कि ये मेडिकली। प्रेम कुमार, मैंने तो आपको बता दिया कि कलर का तो कोई लेना देना नहीं है, उसकी क्वालिटी, उसकी मटेरियल पे सवाल उठता तो बात भी होती। आप संख्या को लेकर, अब अनिर्बान बता रहे कि संख्या को लेकर इश्यू था, जो कि बात सच नहीं है, पर मैं उनकी बात फिर भी मान लेता हूं। कल आप पावर ग्रिड की फेलियर की बात कर रहे थे, उससे पहले आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है इस देश में नहीं है, खत्म हो जाएगा, जबकि हमारे पास 20 करोड़ टैबलेट बनाने की क्षमता है, 10 करोड़ टैबलेट हमारे देश में पड़े हुए, तब भी आपने उस पर बवाल मचाया। अब आप पीपीए एक्सपर्ट बन गए कि येलो कलर का किट हम नहीं लेंगे। बंगाल में डॉक्टरों को प्लास्टिक बैग और रेनकोट पहनना पड़ रहा है, पर ममता बनर्जी की ईगो की वजह से आप येलो किट नहीं अपनाएंगे। ये इस तरीके का मोदी विरोध, कोरोना विरोध छोड़कर मोदी विरोध पे उतर आए आप, ये क्या लॉजिक है, ये कौन सी राजनीति है? देखिए शहजाद जी, मुख्य बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल की कमी है। आप देखेंगे पिछले दिनों राज्य सरकार ने ऐसे निर्देश जारी किए थे कि कोई केंद्र सरकार से अगर डायरेक्ट अगर कुछ पूछता है, सुन लीजिए, तालमेल किस लेवल पे करेंगे आप? अरे एडमिनिस्ट्रेटिव, सुन लीजिए ठीक है गोपाल जी, बता रहा हूँ आप, गोपाल जी प्रेम कुमार की बात सुन लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। जी बोलिए प्रेम कुमार जी, क्या तालमेल में कमी है? जी तालमेल में कमी क्या है? पिछले दिनों ऐसे निर्देश दिए गए ममता बनर्जी सरकार में, जी मैं बता रहा हूँ कि ऐसे निर्देश दिए गए जिसके बाद केंद्र सरकार के अधिकारी अगर आपसे सीधे पूछते हैं तो आप सीधे उनको बोलिए कि मेरे कैबिनेट सचिव और दूसरे संबंधित अधिकारी से पूछे, हम सीधे नहीं बताएंगे। तो ये जो कमी है, ये जो टकराव है राज्य और केंद्र सरकार के बीच, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको सोल्व करना चाहिए ऊपर लेवल पर। एक बात, प्रेम कुमार, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, दिन रात आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में चैनलों पर बैठते हैं, आपने आज मुझे समय दिया है, मैं आपसे सवाल से इतना पूछ रहा हूं कि ये जो किट है पीपीई किट जिसके बारे में लव अग्रवाल शो शुरू होने से पहले बोल भी रहे थे, वो जो डेली अपडेट देते हैं, ये किट 3 लाख के आसपास किट स्टेट्स को दिए गए हैं केंद्र के द्वारा। इस किट पर किसी ने भी कलर को लेकर सवाल आपत्ति नहीं उठाई, सिर्फ ममता बनर्जी उठाई, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने 27,000 किट मिलने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं किट को लेकर, N95 मास्क को लेकर ग्राफिक्स भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर आंकड़े आ रहे हैं किस तरीके से पूर्ति की जा रही है, इसको लेकर तालमेल में क्या कमी रही? ये विरोध के लिए विरोध की भावना क्यों? ये सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आपने राजनीतिक विरोध किया, समझ में आता है? आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते आप फिर से मोदी विरोध में उतर आए किट के कलर पर, ये कौन सी पॉलिटिक्स है सर, इसका जवाब दीजिए। देखिए शहजाद जी, एक बात तो साफ नजर आ रही है बातचीत में भी, हाँ मैं बिल्कुल दे रहा हूं कि पीपीई किट जो है इसकी आपूर्ति हम निर्यात कर रहे थे 24 मार्च तक, और आज हमारे पास कमी है, ये बात देश के सामने आ रही है। दूसरी बात है आपका जो दो दिन पहले चाइना से मांग रहे हैं परंपरागत कलर आपने बहुत सारे रिसर्च किए, उसमें परंपरागत रंग जो है इसका ब्लू और सफेद होता है, लेकिन इसमें बताया एक सेकंड गोपाल कृष्ण, क्या कमी है? नहीं कमी है कैसे, गलत बातें कर रहे हो। मैंने भी सुना, फेक न्यूज नहीं, यहाँ पे फेक न्यूज नहीं फैलाई जाएगी, प्रेम कुमार फेक न्यूज नहीं फैलाना। नहीं नहीं, ये राहुल गांधी ने भी वो गलत ट्वीट किया था, मैंने भी सुना स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो ब्रीफिंग आई उसके मुताबिक ऑर्डर दिए जा चुके हैं, लेकिन पास में है ऐसा नहीं था है। गोपाल जी सही जानकारी दीजिए, और 24 मार्च तक आप निर्यात कर रहे थे। मैं तीनों मेहमानों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो बने रहे, हम विदेश में
तीनों मेहमानों से बात कर रहा हूँ, हम डिबेट में बने रहे, मैं लौट कर आ रहा हूँ, मैं डिबेट में लौट कर आ रहा हूँ, डिबेट अभी बस शुरू ही हुई है, मैं डिबेट में लौट कर आ रहा हूँ। आपको इस वक्त की ताजा हेडलाइंस और अपडेट्स और कोरोना के बारे में जो अपडेट्स है वो दिखाना जरूरी है। मैं लौट कर आ रहा हूँ डिबेट में, और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा कि कोरोना पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, क्या कोरोना काल में राजनीति बेहाल है। मेरे साथ टीएमसी के समर्थक अनिर्बान बैनर्जी है, मेरे साथ प्रेम कुमार है, कांग्रेस के हमदर्द माने जाते हैं, मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरे साथ शिवसेना के नेता संजय द्विवेदी भी जुड़ने वाले, अगर वो जुड़ चुके हैं तो उनको भी पैच किया जा सकता है। पर मैं टीएमसी के पास आना चाहता हूं। देखिये बार बार ये किया जा रहा है टीएमसी के द्वारा, वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी अनिर्बान, तो उस ऑल पार्टी मीटिंग को सार्वजनिक किया गया टीएमसी के द्वारा, सार्वजनिक कर दिया गया ताकि देश में पैनिक फैलाया जाए। इसके पहले भी राजनीति के नाम पर आपने देखा है कि पावर ग्रिड फेल हो जाएगा, यह डराने की कोशिश की गई। थाली ताली का जो इनिशिएटिव था 5 बजे 5 मिनट के लिए, उस पर नुक्स निकाले गए। पर हां, तबलीग जमात जिसकी वजह से 40% केस इस देश में हुए हैं, उस पर ममता बनर्जी चुप है। किट के कलर को लेकर राजनीति शुरू है, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कोरोना का जो आक्रमण होने वाला है, ये क्राइसिस होने वाला है, इसके बारे में केंद्रीय सरकार को ये सूचना देने का काम ऑपोजिशन की तरफ से फरवरी से होता आ रहा है। मैंने 19 फरवरी का ट्वीट भी देखा, राहुल गांधी जी, उन्होंने केंद्रीय सरकार को बताया कि आप एकदम सटीक स्टेप्स लेना शुरू कर दो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। हमारे सरकार ने क्या किया, वो हाउडी ट्रंप किया, उसके बाद मध्य प्रदेश में विधायक लोगों को खरीद लिया, सरकार बनाए, सारे काम करते रहे। अनिर्बान, डब्ल्यूएचओ क्यों प्रशंसा कर रहा है भारत की? एक सेकंड, ये डब्ल्यूएचओ भारत की प्रशंसा कर रहा है? टेक्नोलॉजी को समझते हैं ना। आज डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ चुका है कि भारत जिस तरीके से इंसानियत की सेवा कर रहा है, आपने ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो का बयान देखा है कि हमने हनुमान की तरह उनको संजीवनी बूटी दी, पूरे दुनिया को संजीवनी बूटी दे रहे हैं। हमने भारत में जिस तरीके से इसको मेंटेन करने की कोशिश की, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। पर आपको सिर्फ नुक्स निकालना, नुक्स निकालिए, पर पैनिक कर, आज डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ चुका है कि भारत जिस तरीके से इंसानियत की सेवा कर रहा है, आपने ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो का बयान देखा है कि हमने हनुमान की तरह उनको संजीवनी बूटी दी, पूरे दुनिया को संजीवनी बूटी दे रहे हैं। हमने भारत में जिस तरीके से इसको मेंटेन करने की कोशिश की, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। पर आपको सिर्फ नुक्स निकालना, नुक्स निकालिए, पर पैनिक क्यों फैला रहे हैं? आप विदेश में वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भेज रहे हो, वो भी जब ट्रंप ने आपको फटकार लगा दिया सर, वो भी झूठ निकला, 56 इंच का वो भी झूठ निकला। गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे थे कि हम हनुमान हैं, लेकिन निकले कि आप एक चुईया हो, ट्रंप ने आपको फटकार लगाया और साथ ही साथ अनिर्बान, आपकी दिक्कत क्या है अनिर्बान, आप सिर्फ बन गए अनिर्बान, कैसे 56 इंच का छाती बन गए अनिर्बान? फेक न्यूज फैलाते फैलाते शायद आप फेक न्यूज का खुद शिकार बन गए, क्योंकि वो जिस परिपेक्ष में उन्होंने रिटेलिएशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था, वो कोई भी नेगेटिव उसमें कॉनोटेशन में था ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे बताइए ना, वो आप नहीं, एचसीक्यू की कमी कहाँ है इस देश में? गोपाल कृष्ण अग्रवाल क्लैरिफाई कीजिए, पर हमको पता है क्या धमकी दी अमेरिका ने की कमी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 1.5 लाख से ऊपर क्वारंटाइन बेड्स भारत में तैयार कुछ दिनों पहले की फिगर है, हो चुके हैं। 16,000 वेंटिलेटर्स भारत में थे, 40,000 सरकार ने और ऑर्डर कर दिए, 4,500 हॉस्पिटल्स ये जो कोरोना से लड़ने के लिए पूरे देश में आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उसमें से लगभग 300 के करीब हॉस्पिटल सोलली कोरोना से लड़ाई के लिए आइडेंटिफाई हो चुके हैं। पीपीई के बात करते हैं, 3 लाख आ गए, सरकार ने लगभग 10 लाख पीपीई के ऑर्डर प्लेस कर दिए, जिनकी फेज डिलीवरी होती जा रही है। हमारे पास मेडिसिन का, एंटी मलेरियल हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो जाए, वो है बाद आप काम आपको करो। अगर प्रॉब्लम थी तो जिन जमात तो भैया आप तबलीगी जमात को रोकना था, जो लोग फैला रहे हैं, जो लोग फैला रहे थे उनको आइडेंटिफाई करना था। और प्रेम कुमार, बात यही है, प्रेम कुमार बात यही है कि आप लोग लगातार पैनिक फैलाने के लिए, कभी पावर ग्रिड फेल हो जाएगा, दिया जलाना ठीक नहीं है, दिया को लेकर उसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया, फिर आपने सवाल उठाया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर, बात को आप रिपीट कर रहे हैं, मैं समझ गया आपका प्रश्न। प्रेम कुमार जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे सिर्फ एक बात का सवाल दीजिए, एक सेकंड प्रेम कुमार जी,
अगर आप ये भ्रम फैलाएंगे कि येलो किट कारगर नहीं है, मेडिकल और हेल्थ स्टाफ में किस तरीके का पैनिक फैलेगा, और आप उस मेडिकल और हेल्थ स्टाफ को मजबूर कर रहे हैं कि वो रेनकोट पहनकर कोरोना मरीजों की जो है इलाज करने के लिए जाए। मतलब येलो पीपीई तो वैलिड नहीं है, रेनकोट ठीक है। जवाब दीजिए प्रेम कुमार, ये कौन सी राजनीति है पैनिक फैलाने वाली? मैं बोलूं जी, बोलिए। आपको गौमूत्र देखिए, पहली बात यह है कि अगर आपने ट्रेडिशन से हट करके व्हाइट एंड ब्लू कलर से हट करके कोई तीसरा कलर दिया है तो राजनीति ये है, डॉक्टर ठीक है, उस पर आप चर्चा नहीं करने देना चाहते क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है। मुझे आप एक सेकंड प्रेम कुमार, मुझे आप एक गाइडलाइन दिखा दो, एक सेकंड प्रेम कुमार, मैं आपको एक मिनट देना चाहिए, प्रेम कुमार को स्क्रीन पर लाइए, एक सेकंड प्रेम कुमार जी मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं एक मिनट कुछ नहीं बोलूंगा। आप मुझे एक इंटरनेशनल या नेशनल गाइडलाइन बताइए कि इस किट का रंग सिर्फ सफेद होना चाहिए या सिर्फ ग्रीन या ब्लू होना चाहिए, येलो नहीं हो सकता। मैंने देखा है कई देशों में आइसोलेशन वार्ड में येलो किट पहना जा रहा है। अगर आपके पास ऐसा एक भी गाइडलाइन है तो मैं इस डिबेट को यहीं पर खत्म कर दूंगा और मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी और प्रेम कुमार सही है। चलिए मुझे आप गाइडलाइन बताइए, एग्जैक्ट गाइडलाइन बताइए, कौन से साल की गाइडलाइन है, क्या नंबर के साथ जो जानकारी दी है शहजाद जी आपने ही जो रिसर्च की है, जानकारी दी है, उसमें कहा है कि सफेद और ब्लू की परंपरा रही है। जब इस परंपरा को तोड़ा गया है जहां पर वहां चुनाव होने वाले हैं, आप भी जानते हैं इसके पीछे मकसद क्या है। तो मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, टीएमसी का कलर एक्सेप्ट मत कीजिए, ममता बनर्जी को इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये मुझे उम्मीद प्रेम कुमार से नहीं थी, वो कह रहे हैं आप चुनावी प्रचार करने के लिए येलो किट दे रहे हैं, आई कैन नॉट बिलीव दिस। विरोध भी रखना चाहिए कि राजनीतिक इस्तेमाल मत कीजिए, कलर पॉलिटिक्स मत खेलिए, ये भी बोलना चाहिए। और क्या सफाई कर्मचारी अगर भगवे कपड़े पहनते हैं तो क्या भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो? मतलब आप देश में हमारे नहीं, आप कलर चेंज का जो इंटेंशन क्या है, जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कलर का इंटेंशन क्या है, ये सवाल है। हमने कलर कह रहा हूँ कि पीपी कलर कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और विरोध कीजिए। बाहर से प्रोक्योर किया गया, कई देशों से प्रोक्योरमेंट हो रहा है, पूरे अलग अलग देश आगे आ रहे हैं एक दूसरे को सहायता करने के लिए। जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो कलर दिया, हमने कोई ऑर्डर करके, या तो आप बताएं कि उसके ऊपर कोई तो तथ्य होना चाहिए कि येलो कलर गलत है या यह मेडिकली अनफिट है या हमने येलो कलर करवा के आप सही बोल रहे हैं। अगर ये सरकार की ओर से ऑर्डर किया जाता है कि इस कलर का हमें चाहिए तब ये गलत है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। आज मैंने एक डिमांड की है, अगर यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरर में कलर डाला जाता है तभी ये सवाल उठेगा, अन्यथा ये सवाल नहीं उठता है। प्रेम कुमार जी, आपके पास लौट कर रहा हूं, होगा उसका कलर होगा, वो भी उन्होंने येलो भी बनाते थे, ये थोड़ी है कि अभी कलर करके आपको डाइट। अनिर्बान बैनर्जी, मुझे एक ट्वीट आया है, मटेरियल था उसी हिसाब से तो बने। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मुझे एक ट्वीट आया है, कोरोना पॉलिटिक्स हमारा हैशटैग है, मुझे एक ट्वीट किसी यूजर ने भेजा है, उसने कहा है कि ये कह रहे हैं प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इसलिए येलो मंगवाया है या येलो इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो 2 लाख किट चाइना से अभी हमारे पास आए, तो जो कलर होगा वो कलर दिया जाएगा। दूसरी बात, ये प्रचार किसके लिए होगा, किसके सामने होगा? आईसीयू में जो पेशेंट्स है जिनके शायद होश भी नहीं होगा, उनको ट्रीट किया जा रहा है, उनके सामने प्रचार करने के लिए ये डॉक्टर इस तरीके से पहनकर जाएंगे? बीजेपी का प्रचार हो रहा है आईसीयू में कोरोना से, येलो कलर कोई बीजेपी का प्रचार का और बीजेपी का कोई रंग भी नहीं है येलो, ये किस तरीके का तर्क है अनिर्बान? और यही सोच है ममता बनर्जी की, प्रेम कुमार की सोच नहीं है, ये ममता बनर्जी की सोच है। देखिए, ये बीजेपी का जो है वो बदमाशी करने का इनका आदत है, वो करेंगे, लेकिन अगर इनको लगता भी है कि हम चुनाव का प्रचार करेंगे कोई लाभ होने वाला नहीं है तो उसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे, हम थोड़ी कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वो ये है, ये आपका आरोप है, ये आपका बेतुका आरोप है, पीपीई का सूट और हमको मिला 3000, हम थोड़ी कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम है, जितना चाहिए वो आप दे नहीं रहे हो, और आने नहीं रहे हो कि आप प्रेम कुमार बने रहिए, आप कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, ये बीजेपी का ये प्रचार है, प्रेम कुमार गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा, ये बीजेपी का प्रचार है, प्रेम कुमार, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रेम कुमार एंड गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल सोचिए, ये सोच कितनी खतरनाक है, दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, एक सेकेंड सोच समझिए, सोच कितनी खतरनाक है, प्रेम कुमार एंड गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 10 सेकंड चाह रहा हूँ, 10 सेकंड चाह रहा हूँ मैं, केवल वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए खतरनाक है,
कि ऐसे समय में जब पूरा देश के चीफ मिनिस्टर मैं इस वक्त अपने अपने सहयोगी राशिद के पास चलना चाहता हूँ, क्योंकि राकेश के पास मैं अपने सहयोगी राकेश के पास चलना चाहता हूँ, बजर बजाकर